वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा था हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, तो डियर स्टूडेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जितनी भी बातें कही जाए वो काफी कम होगी। आज जहां भी देखिए डेवलपमेंट का क्षेत्र चल रहा है, जहां भी देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाहे आप अपने देश की बात करिए, बाहर के देशों की बात करिए, हर जगह वर्क चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है, क्योंकि सबको विकास करना है, सबको कुछ ना कुछ करना है। तो भाई डेवलपमेंट का काम तो चलता रहेगा, और जब तक दुनिया में डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा तब तक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो हेल्थ एंड सेफ्टी में हम क्या करें कि हम हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनने के साथ साथ हम एक अच्छा पैसा कमा पाए। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका, तो यहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स जो होता है वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है वहां पे जो लोग हैं, वहां जो कर्मचारी हैं, वहां जो लेबर है, वहां जो वर्कर हैं, और उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है काम के साथ, उनको किस तरह से मैनेज करना है, ये तमाम चीजें आप सीख पाते। तो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कोर्स है वो अपने आप में एक लाजवाब कोर्स है, अपने आप एक बेहतर कोर्स है। लेकिन कब? जब आपको अपने ऊपर खुद का भरोसा हो। तो हेल्थ सेफ्टी या फायर सेफ्टी या फूड सेफ्टी कोर्स करने से पहले दो क्वेश्चन आप जरूर अपने आप से पूछिएगा। पहला क्वेश्चन है, अगर आपके मन में यह है कि हम कोर्स तो करने जा रहे हैं, जॉब कौन देगा मुझे, या क्या मुझे जॉब प्लेसमेंट कोई दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि कोई जॉब आपको दिलाएगा, कोई जॉब देगा तो मैं करूंगा, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप बिल्कुल भूलकर भी आप सेफ्टी फील्ड में मत जाइए। क्योंकि अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, आपको पहले ही डर लग रहा है, आप अभी पानी में कूदे ही नहीं, आप उसमें उतरे ही नहीं, और आपको इतना डर, और डर होने के साथ साथ आपको क्या लगता है, जरा सोचिए। बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का फील्ड बहुत ही बेहतरीन फील्ड है, पैसे के दृष्टिकोण से भी, जॉब के दृष्टिकोण से भी, और आराम की नौकरी के दृष्टिकोण से भी। लेकिन इसमें जो लोग जाते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं, वे हर एक चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हर तरह से वो तत्पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं। और चैलेंज भी, जब ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा सैलरी है, ज्यादा डिमांड है, तो कंपटीशन भी तो होगा। तो अगर आप इस नेचर के हैं कि आप मुझे नौकरी कौन दिलाएगा, मुझे नौकरी कौन देगा, मुझे नौकरी कहां मिलेगा, अगर ये सब चीजें अभी आपके दिमाग में चल रही है, तो मैं कहूंगा कुछ दिन तक रुक जाइए, या अभी हेल्थ सेफ्टी के बारे में बिल्कुल न सोचिए, क्योंकि आपका समय और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेफ्टी फील्ड उन लोगों के लिए है जो हमेशा तूफानों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सेफ्टी फील्ड उन लोगों के लिए है जो हर मुसीबत से बचाने की क्षमता रखते हो और कभी वो पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग सेफ्टी फील्ड में जाकर के अपना वर्चस्व बना पाते हैं और अपने आप को साबित कर पाते हैं। लेकिन आपको चाहिए केवल मलाई चाहिए, आपको अच्छी सैलरी चाहिए, आपको बस मौज मस्ती की जिंदगी चाहिए, आराम की जिंदगी चाहिए, और सेफ्टी का कहीं सबको सर्टिफिकेट मैंने मैनेज कर लिया, अरेंज कर लिया, मिल जाएगा, आपको बिल्कुल जॉब नहीं मिलने वाला है, आप ये ध्यान रखिएगा। और मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, या उन लोगों से एक बार जरूर बात कर लीजिएगा जो यह सोच रखते हैं कि जॉब मुझे कौन देगा, जॉब कहां से मिलेगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि नौकरी तो आपको करना है, आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रहते हैं? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं? क्या आप खुद काम नहीं कर सकते? जब तक कोई नहीं रहेगा आप नहीं कर सकते? क्या दुनिया में इससे पहले जितने लोग आए सबको कोई नौकरी दिलाया, खोज खोज के नौकरी लाकर कुछ ने दिया? तो शायद जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आज जितने सफल लोग हैं उनसे आप बात करिए तो पता चलेगा उनके संघर्ष की कहानी, वो किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और तब जाकर के आज करोड़पति और अरबपति बनकर बैठे हुए हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सर कुछ पाने के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भाई आप देखो स्ट्रगल करना कोई मामूली बात नहीं है, हर व्यक्ति की बात नहीं है। और आज के जमाने में नौकरी पाना कोई हलवा नहीं है कि आप तुरंत बनाएंगे और खा लेंगे। लेकिन हाँ, एक दूसरा पहलू भी इसका है,
2023 में SST इंस्टीट्यूट से जितने लोग बाहर गए, जितने स्टूडेंट्स बाहर गए, वो सभी कैंडिडेट तो थे, उनको मैंने जॉब नहीं दिया, उन्हें हमने जॉब नहीं दिलाया, हमारे हम लोगों ने केवल उन्हें ट्रेनिंग दिया, कॉलेज ने ट्रेनिंग दिया, क्योंकि हम ट्रेनिंग का काम करते हैं, हमारी कोई जॉब प्लेसमेंट एजेंसी तो है कि हम नौकरी देने के लिए हम उस काम करते हैं। हाँ, लेकिन नौकरी के लिए हम तैयार कर सकते हैं जो लोग, जिन लोगों को जरूरत है। हर कंपनी वाला आज चाहता है कि मुझे अच्छा कैंडिडेट मिले, और अच्छा कैंडिडेट इंडिया से सिर्फ आप SST इंस्टीट्यूट से ही पा सकते हैं, बाकी कहीं से नहीं पा सकते। विगत 1997 से SST इंस्टीट्यूट वर्क कर रहा है इंडिया में, और इंडिया में वर्क करने के बाद इसने अपने इस मुकाम को देखा है और पहचाना है। आज दुनिया भरोसा करती है, आज गल्फ के, UAE के सारे लोग भरोसा करते हैं, वहां का क्लाइंट भरोसा करता है, वहां के जो ओनर है वो भरोसा करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या केवल चेहरा देखकर भरोसा करते हैं? नहीं, वह स्टूडेंट्स में वो काबिलियत देखते हैं, वो काबिलियत है कि नहीं, और वो काबिलियत जिनकी उन्हें तलाश थी, वो सफर पूरा हुआ SST इंस्टीट्यूट के पास जाकर। और यही कारण है कि 2023 में सबसे अधिक कैंडिडेट गए फॉरेन गए, कोई दुबई गया, कोई रियाद गया, कोई सऊदी गया, और कोई कुवैत गया, फ्री वीजा मिला। तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? इन सब बातों पर जरा कंसीडर करिएगा। शायद आज में जो पढ़ाने का मूड होता है वो नहीं था, मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर मैं परेशान हो जाता, और इसी वजह से मैं आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बार बार मुझसे कहते हैं कि सर जिस स्कूल में हमने पढ़ा वहां के लोगों ने तो पहले कहा था कि वो जॉब देंगे, बाद में वो इनकार कर दिए, बाद में वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हमने तो नहीं कहा था, वहां पर बात ही बात होता है। तो उन्होंने कहा और आपने सुना, अब सच्चाई क्या है? दोनों में से एक आदमी तो झूठ बोल रहा है। अब जो भी बोल रहा है, या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो वो झूठ बोल रहा है। तो मैं आपको क्यों कहूं कि आप झूठ बोल रहे हैं? भाई शुरू में जैसे SST की पॉलिसी है कि भाई सीधी आप किसी भी SST या SST इंस्टीट्यूट के किसी भी स्टाफ से आप बात करिए और फोन करिए और उनसे पूछिए कि सर क्या प्लेसमेंट की गारंटी आप देंगे, क्या आप प्लेसमेंट देंगे? तो आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा, सर हमारे यहाँ प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, आपको अगर समझ में आता है तो आप ट्रेनिंग करिए, अदरवाइज कहीं और देख लीजिए। कुछ लोग तो यहां तक भूल जाते हैं सर कि नहीं स्टम्प पेपर पे गारंटी दे रहा हूं लिख करके कि हमारे यहां से पोस्ट करो और जॉब मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, अगर ऐसा हो जाता तो फिर भारत में बेरोजगारी नहीं रहती सर, सारी बेरोजगारी खत्म हो गई होती, किसी को गल्फ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को कुवैत जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब यही मिल जाता स्टम्प पेपर पर लिख कर। तो बस इस बात को आप समझिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा हर वीडियो के माध्यम से, मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं कि आप खुद पर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और कभी भी वैसाखी का सहारा लेकर मत चलिए कि कोई मुझे देगा नौकरी देगा तब मैं पढ़ूंगा, नहीं देगा तो नहीं करेंगे। अब इस बात को जिस दिन आप निकाल लेंगे दिमाग से, मेरा दावा है कि उसी दिन आप सफलता का आधा, जो सफलता की शिखर होती है, आधे शिखर पे तो आप पहुंच जाएंगे, और बाकी कोर्स के बाद कंप्लीट करने के बाद जब आप दौड़ने लगेंगे जॉब के लिए, तो निश्चित रूप से जो आपके आपके सपनों का जॉब है वो जरूर मिलेगा। दुनिया में कोई ऐसा जॉब नहीं है, जो ऐसा कार्य नहीं जो आप न कर पाए, बशर्ते आपकी दिशा सही होनी चाहिए। इस सब मैं आपको आपसे बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो तो उस डाउट को निकाल दीजिए। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, अगर एडवांस डिप्लोमा किया थोड़ा सा ऊपर चले गए उसके लिए भी आप एलिजिबल है, जॉब के लिए एलिजिबल है, आपने मैनेजमेंट किया दैट्स वेरी गुड, और भी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, आपने PG कोर्स किया आपको और अच्छी सैलरी मिलेगी, आपने इंजीनियरिंग कोर्स किया आपको और अच्छी सैलरी मिलेगी। सर संघर्ष तो करो, जितने भी लोग सफल हुए उनसे एक बार जाकर मिलो तो सही, उनसे बात तो करो। आज जो चकाचौंध की दुनिया आपको दिखती है उसके पीछे उनके संघर्ष को आप देखिए, तो उनका यही जवाब होता है कि अपने आप को साबित करने के लिए मैंने बहुत ठोकरें खाई, मैंने बहुत संघर्ष किया तब इस मुकाम पर पहुंचा। और आज तो डियर स्टूडेंट कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बस इधर बात हुई और इधर काम हो जाए। सो ये कहना भी पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अगर इस तरह की सोच आप रखते हो तो मत करिए इस कोर्स को और ना ही इस फील्ड में जाने की सोचिए। सेफ्टी फील्ड बेशक बहुत अच्छा है,
अगर अच्छा नहीं होता तो सिविल इंजीनियर नहीं आते, अगर ये बेहतर नहीं होता तो मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ बंदा इसको नहीं करता, आर्मी से रिटायर्ड लोग इसको नहीं करते। उन्हें मालूम है कि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी अपने आप में लाजवाब फील्ड है, बेहतर फील्ड है, चाहे जिस भी व्यू से आप देखें, जिस भी दृष्टिकोण से आप देखें। तो डियर स्टूडेंट, मेरा कहने का सब कुछ मतलब एक निचोड़ ये है कि आप अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने खुद पे भरोसा रखिए, किसी भी तीसरे बंदे के ऊपर भरोसा मत रखिए कि वो आपको जॉब दिलाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई आपको जॉब नहीं दिलाएगा। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, इवन मैं भी आपको जॉब नहीं दिला सकता, हाँ, लेकिन जॉब के लिए मैं तैयार जरूर कर दूंगा आपको। इंटरव्यू अगर देंगे तो इस बात की गारंटी होगी कि 99% आप उस इंटरव्यू को पास करेंगे और उस इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका होगा। लेकिन आप मुझे भाई इंटरव्यू सर आपको देना है, मैं गारंटी कैसे दे सकता हूं? गारंटी तो आप दे सकते हैं ना, आप खुद ही गारंटी लीजिए, आप कोई तीसरा, मेरी गारंटी कोई नहीं दे सकता। कोई कहेगा हाँ मैं डॉक्टर वेद ही कर सकते हैं, क्या उनकी गारंटी कौन लेगा? तो डॉक्टर वेद की गारंटी डॉक्टर वेद ही ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता। तो आप अपनी गारंटी खुद लीजिए और इस भ्रम की चाल से निकलिए। प्लेसमेंट गारंटी निकलिए, ये सब ही धोखे वाला है। स्टम्प पेपर पे गारंटी, ये सब ही धोखे वाला है। हम आपको जॉब दिलाएंगे, ये सब ही धोखे वाला है, कोई जॉब नहीं दिलाएगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट काम करना है, तो क्यों बुलावे में लगे? अपने आप को इस तरह से तैयार करो, अपने आप को इस तरह से काबिल बनाओ कि एक नहीं सर हजारों नौकरी आपके पीछे भागे और नौकरी आपका दरवाजा खटखटाए और पूछे वेयर आर यू सर।